वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन हो गए कुछ वीडियो वीडियो बनाया नहीं, तो आज सोचते कुछ वीडियो बनाते हैं और साथ में किसी चीज़ का अनबॉक्स करेंगे और हैंड्स ऑन भी करेंगे। सो आज हमारे पास एक बेनिटन का कैमरा है, एक्शन कैमरा, तो आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे ये रहा इस कैमरे के ऊपर। आइए देखते हैं। ये दोस्तों आज करते हैं अपना अनबॉक्सिंग बेनिटन एक्शन कैमरा का। लेकिन मैंने इंट्रो के पहले बताना भूल गया कि मैंने इसमें एक चेंजेस भी कराया जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं मैंने क्या चेंजेस कराया और ये कैमरा कैसा है। ठीक है, पहले मैं बॉक्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सामने की तरफ मेरे को कैमरा साफ दिख रहा है और सामने एक्शन कैमरा और बेनिटन की सिंबल की ब्रांडिंग की गई है। साइड में यूनाइटेड कलर ऑफ बेनिटन की ब्रांडिंग की गई है। पीछे इसके कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पर दी है 8,999, मतलब 9,000 की कैमरा है। और ये कैमरा क्या 9,000 वर्थ ऑफ की है, तो देखते हैं ये किस तरह की है। सामने इधर भी यूनाइटेड कलर ऑफ बेनिटन की ब्रांडिंग की गई है। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करने से सिंपल हमारे पास जो मेन कैमरा होता है वो है, यहाँ पर अपना कैमरा है। ये है कैमरा बेनिटन का। ठीक है, इसको बाद में साइड में रख देते हैं, फिर देखते हैं आगे का। बॉक्स में मुझे इतने सारी एसेसरीज मिली है, तो देखते क्या क्या एसेसरीज है। ये कुछ हेलमेट माउंट है, ये भी माउंट है, ये भी माउंट है, ये भी हेलमेट माउंट है। ये केसिंग है, ये केसिंग है आपका, जब आप किसी विदाउट रेंज में या ऐसे नॉर्मल शूट कर रहे हो, मतलब लाइक रेंडमली, तो ये यूज़ कर सकते हैं ये वाला केस को। फिर अपने पास एक क्लिप वाला केस माउंट है। एक चार्जिंग केबल दिया गया इसके साथ। तीन स्ट्रैप्स दिए गए जिससे आप अपने कैमरा को कहीं पर भी फिट कर सकते हो। दो 3.3 mm की स्टिकर के साथ ये दो हेलमेट माउंट दिया गया जिससे अपने बाकी माउंट इस पर फिट कर सकें। ये कुछ माउंट है दूसरे तरह का, देखिए। और ये एक बाइसाइकिल माउंट है, देखिए आप देख सकते हैं। और ये एक और 3 mm के स्टिकर है, साथ में ये कुछ केबल दिया गया है यहाँ पर। और एक सामने वाटरप्रूफ केस का कवर है ये, कि यदि आपका परमानेंट वाला ब्रेक हो जाए तो ये अपने यूज़ कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट केस बोल सकते हैं इसको। साथ में कुछ क्लोथ है कैमरा वैमरा साफ करने के लिए। और ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स मेरे ख्याल से आप हाथ में बांध सकते हो या किसी चीज़ में बैग में लटका सकते हो बांध के, तो ये इस पर्पस में यूज़ हो सकता है। ये रहा अपना कैमरा, देखिए। तो इसको भी निकाल देते हैं। तो कैमरा खोलने का सिंपल सिस्टम है, यहाँ पर कैमरा खुल गया। तो ये है अपना केस। केस काफ़ी बढ़िया अच्छे क्वालिटी की लग रही है और काफ़ी हार्ड है, तो वाटरप्रूफ, या आपका यदि कैमरा कहीं गिर भी जाए 5-4 तो ये कुछ होगा नहीं इसको, कैमरा को ये प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो ये रहा हमारा कैमरा। तो आप देख सकते हैं कैमरा काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। ऊपर आप छूओगे तो एक टेक्सचर वाला फीलिंग आ रहा है, एक मतलब आप छूने से इसमें मेरा हाथ रगड़ खा रहा है, मतलब एक रफ सरफेस है जिसमें आपके कैमरे की ग्रिप बनी रहेगी। और ये सामने की तरफ एक वेलवेट टाइप का फीलिंग आ रहा है, मैंने बहुत सॉफ्ट मटेरियल रबड़ टाइप का। तो देखते हैं ये कैमरा की साइटिंग कैसी है, सब ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सामने हम लोग को एक कैमरा मिलता है, 16 megapixel का लेंस है। इधर मोड चेंज करने और पावर ऑफ बटन है। ऊपर की तरफ यूनाइटेड कलर ऑफ बेनिटन की ब्रांडिंग की गई है। ऊपर में आपको एक प्लेन प्लस का बटन दिया गया है। और इधर पे एक LED सेंसर दिया गया लाइट, जिससे कि आपका कैमरा कब स्विच ऑन है कब स्विच ऑफ है ये आपको बताएगा। साइड की तरफ वॉल्यूम रॉकर है, अप डाउन बटन, जिससे आके आप अपना कैमरा कंट्रोल कर पाएंगे। इधर पे आप देख सकते हैं ये स्पीकर है, रिकॉर्ड करने के बाद सुन पाओगे।
सामने की तरफ एक 2 इंच का एलसीडी डिस्प्ले है एंड बैक में बैटरी कवर है एंड बैटरीज। और इस साइड में देखते हैं, इस साइड में आपका 3.5 सॉरी ये मिनी यूएसबी माइक्रो यूएसबी का चार्जर पॉइंट है और ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है। तो अब आते हैं मेन बात के ऊपर। तो मैंने जैसे सरप्राइज़ बोला था कि इस कैमरा में नहीं है, तो ये वो सरप्राइज़ क्या है कि मैंने टेस्ट किया था कैमरा में कि इंटरनल माइक है, तो अपने को चाहिए था एक्सटर्नल माइक, क्योंकि जैसे अपने बाइक में यदि माउंट करते हैं तो रिकॉर्ड करने में आसानी होगी ऑडियो क्वालिटी। तो मैंने इसमें 3.5 mm की 80.5 mm जैक फिट करवाया इसके अंदर इंटरनल माइक को हटवा के। कैमरा की बैटरी आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो कैमरा को स्टार्ट करते हैं। तो कैमरा स्टार्ट करते हैं, अपने वेलकम दिखता है सामने और कैमरा ऑन चुका है। तो यहाँ पर आपका इतना 15 मिनट्स आपकी अभी मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी है। तो इसमें 720p 30 fps में मैंने सेट कर रखा है। और ये ऑफ एंड ऑन ये क्या चीज़ का सिंबल है मुझे अभी तक नहीं पता चला किस तरह यूज़ होता है। इधर माइक्रोफोन का सिंबल है, इधर बैटरी का सिंबल है और यहाँ पर आपका डेट और टाइम रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो यदि मैं साइड के वॉल्यूम रॉकर को प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए माइक बंद हो जा रहा है और सेम ऊपर वाले के साथ हो रहा है। तो आइए चलिए सामने। तो ये सामने बटन से मैंने पावर ऑन किया था, ऊपर बटन सी सामने वाले बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो वो मेरे को फोटो मोड में ले जाएगा। देखिए फोटो मोड में आ गया है। फिर यदि मैं एक बार प्रेस करूँगा तो जो मैंने वीडियो प्ले किया था वो वीडियो यहाँ पर सेव होगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक वीडियो प्ले बनाया था तो यहाँ पर वो सेव है। फिर एक बार और प्रेस करूँगा तो इसकी सेटिंग्स आ जाएगी। बटन प्रेस करेंगे तो ये मुझे वीडियो मोड में लेके आएगा वापस। तो प्ले करने का सिंपल ऑप्शन है, इसको टिपेंगे ऊपर वाले बटन को तो ये प्ले होना स्टार्ट हो गया। देखिए देख सकते हैं आप। और यदि वापस मैं इसको करूँगा पॉज तो इसे स्टॉप हो गया तो आपका वीडियो सेव हो गया। तो यही है एक वेनिटन कैमरा। और इस वीडियो के बाद मैं इसके साथ माइक टेक्सटिंग करने वाला हूँ, कैमरा की ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आपको डे टाइम में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के बाद वो आप ज़रूर देखें, वीडियो पूरा तक देखें और मुझे। हेलो गाइस, हेलो। ये जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं इस एक्शन कैमरा से सुन रहे हैं बेनिटन की। और बताइए मुझे कि किस तरह की साउंड क्वालिटी और इसकी वीडियो क्वालिटी है। मैंने जिसमें जो भी इंटरचेंज करवाए हैं एक्सटर्नल माइक के, मेरे ख्याल से साउंड तो अच्छी ही आनी चाहिए। आप भी देख के बताइए साउंड क्वालिटी इसकी कैसी है। और देख सकते हैं आप वीडियो। और ये जो मैंने माइक यूज़ किया है ये बोया का माइक है। मैंने काफ़ी इसमें माइक डिफरेंट तरह के की यूज़ करने की कोशिश की लेकिन कोई भी इसमें सक्सेसफुल नहीं था। तो आखिर में मैंने बोया का माइक लिया, वो ठीक से इसमें काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, आपको इसको लिंक चाहिए तो मैं इसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको बैक का फुटेज दिखाता हूँ यहाँ पर। और दोस्तों इसमें स्लो मोशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना इसमें टाइम लैप्स की फैसिलिटी है, इसमें सिर्फ वीडियो मोड और फोटो मोड ही है। तो ठीक है, तो मैं यहीं पर इस वीडियो को बंद करता हूँ। और ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, किस तरह। इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पर डाल दूँगा, आप मुझे फॉलो करें और कोई भी क्वेश्चन हो मुझे ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज़ दीपक साइनिंग आउट फ्रॉम वर्सेटाइल वीडियोज़। थैंक यू।